बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने लगी हूँ खाना और आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं यहीं से। मैंने बनाना है आज मटर वाला पुलाव और साथ मैंने बनाना है मटन और आलू का शोरबे वाला सालन। मतलब थोड़ी सी उसमें ग्रेवी रखूँगी, इसके लिए मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट रख लिए हैं तैयार। और इधर आ गया है मेरा दूध, तो मैंने कहा कि सबसे पहले रख लेते हैं दूध को छान के बॉयल होने के लिए। चलिए जी, अपना दूध जो है ना उसको छान के रखते हैं बॉयल होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल चलिए जी, उस वाले किचन में मैं रख के रहती हूँ क्योंकि रॉ किचन में मैंने बनाना है खाना। चलते हैं उधर। मैं मटन गोश्त में पिसा हुआ भी डाल दूँ, लेकिन उसके साथ ही आपको लहसुन भी कटने नज़र आ रही होंगे आठ दस। इससे ना शोरबा भी बहुत गाढ़ा बनता है और टेस्ट बड़ा मज़े का है। ठीक है, इसमें अकॉर्डिंग टू माई मटन डालूंगी मैं ऑयल जितनी मुझे ज़रूरत है। और इधर मटर पुलाव के लिए मैं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे साथ साथ बनाना है, मेरी काफ़ी टेस्टी है बहुत कम। ठीक हो गया, अब इन दोनों को मैं ब्राउन होने तक पकाऊंगी, तो इसको ब्राउन करने के बाद मिलते हैं आपसे। ये देखिए जी, जो मेरा मटन का सालन मैंने बनाना है ना, उसके प्याज जो है ना वो मैंने कर लिए हैं। बस इतने से ही करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो जो सालन है उसका रंग अलग अलग है। ठीक है, इसके साथ में इसमें डालूंगी हाफ के जी के करीब मटन और साथ में इसमें डालूंगी दो लहसुन अदरक के क्यूब। ठीक है जी, इसको भून दूंगी अच्छे से। चलिए जी, दूसरी तरफ जो मेरा है ना मटर पुलाव, उसका प्याज जो था उसका रंग कराया था, तो अब उसमें मैं डाल दूंगी टमाटर, सब्ज मिर्चे और कुछ धनिया पिसा हुआ, धनिया नमक और सूख मिर्च थोड़ी सी और साथ ही लहसुन का क्यूब। इसके साथ ही मैंने डाल देंगी इसमें एक प्याली के करीब मटर। अब मैं इसको भूनूंगी बहुत अच्छे तरीके से। सॉरी, एक चीज मटर के बाद मैं डालनी भूल गई, वो है जी साबुत गरम मसाला। इसके बगैर तो टेस्ट ही नहीं आएगा ना। मटन में ना पानी फिश कर लिया अपना, क्लियर नज़र आ रहा होगा बिल्कुल। देखिए ऑयल आ गए, मतलब पानी जैसे छोड़ा था ना, इसलिए मैंने क्लियर रात से पकाया तकरीबन 5 से 10 मिनट। ठीक है, और अब ये सारे स्पाइसेस डाल के मैं इसको मज़ीद 8 से 10 मिनट भूनूंगी और उसके बाद मैं इसको गलने के लिए पानी लगा दूंगी। चलिए जी, अब इसमें डालते हैं गिलावट के लिए पानी। ठीक है, इसको मैंने भून लिया तकरीबन 10 मिनट।
स्मेल बिल्कुल खत्म हो गई है इसकी। अब इसमें इतना सा पानी डालूंगी जितने में ये गल जाए, क्योंकि फिर मुझे इसको भून के इसमें आलू डालनी है, फिर उसको भूनना है और फिर से इसका शोरबे के लिए मतलब मैंने इसको पानी लगाना है। ठीक है, तो ये टोटल चला गया तकरीबन 1.5 कप पानी इसमें। तो अब करूँगी मैं इसको बंद और वेट करते हैं इसके कुक होने का। प्रेशर कुकर जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात से यूज़ किया करें, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये फट जाए तो इसके नुकसान बहुत ज़्यादा है, इंसान जल जाता है। और बेहतर यही है कि आप जितनी एहतियात हो सके वो करें। अब मैं इसको घुमा के चारों तरफ से देखूंगी हूँ कि कहीं ये इसको भी बहुत फ्रेश तो नहीं गया, लेकिन अलहमदुल्ला से ये बट है। अब तो चलते हैं अपने ब्लॉग ये देखें जी, प्रेशर का ढक्कन जो है वो मैंने हटा लिए और पानी ड्राई हो गया था खुद ही, और इसने माशाल्लाह से बड़े जल्दी खोली है, वरना मेरा सारा नीचे लग जाना था। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू और इसकी मैं करूँगी बहुत अच्छे से बनाई भुनाई 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 नहीं भुनाई भुनूंगी। और ये धुएं आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, मिलते हैं इसको भुनने के बाद। ये देखें जी, मटर फ्लाओ को थोड़ा सा हला लेते हैं। आ जाते हैं इसके लिए जी मेरी जान। ये देखें मेरी बेटी मेरे लिए पानी लेके आई है, ज़्यादा नहीं लेके आना था। देखिए जी, सालों मेरा बुढ़ी तरफ डाल दूंगी मैं पानी, जितना मुझे कोरबा चाहिए। इसको फिर से मैंने पानी डाल के लगा दिया है प्रेशर 2 से 3 मिनट या हद 4 मिनट का, जिसमें जो मेरे आलू है ना वो बहुत अच्छे से गल जाएंगे। इधर ऊपर से आपको नजर आ रहा होगा मेरा मटर पुलाव, इसको भी मैंने दम पे लगा दिए कि ये अच्छे से जो है ना वो कुक हो जाए राइस मेरे। ये देखें जी, इधर रायते का सामान हो गया है तैयार। ये देखें नीचे फुल्की है, ये गाजर है, और ये मेरे पास में थोड़ा सा नस्ल का दही पड़ा था। ठीक है, और नजर अभी इसमें मैंने ना प्याज और सब्ज़ी नीचे थोड़ी सी डाल ली, क्योंकि मैंने यही सोचा ना कि ये थोड़ा है, क्योंकि बच्ची भी है साथ हेल्पर, तो रायता सैलड मेरे घर में होता है जी ज़्यादा यूज़। ठीक है, इसमें मैं मज़ीद थोड़ी सी ग्रीन चटनी जो मैंने वो बना के प्रिजर्व की हुई थी वो डालूंगी, इसको कहते हैं मिक्स। और ये मेरे दही की बनी पड़ी है बर्फ, इसको डाल दें, क्योंकि जब तक हमने खाना है ये मेल्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं अच्छे से मिक्स, कितना मज़े का ग्रीन ग्रीन कलर निकलता है ना ऐसे, जो दही बल्ले बंदा बाजार से लेता है, दही बल्ले या दही बड़े वो भी आप कहते हैं अपनी जबान में, ऐसे उसमें होता है कि कुछ दही वाइट होता है और कुछ अंदर चटनी होती है। देखिए ऐसे करके जब ये मेल्ट होएगा ना तो फिर मेरा रायता बन के हो जाएगा जी तैयार। ये देखें जी, जो चावल हैं इनका दम मैंने खोल लिया है, ये देखें बड़े खिले खिले बनते हैं, नजर आ रहा है आपको नजदीक से। ये देखिए जी, सालन मेरा बन चुका है, अब मैं इसको करूंगी डिश आउट और इसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ।